लाडली बहना को लखपति बहना बनाना है। बनना कि नहीं? अरे बोलो, बनना कि नहीं? हम क्यों गरीब रहेंगे? हम क्यों आंसू बहाएं? हम क्यों हाथ फैलाएं? लखपति दीदी का मतलब है एक बहन की हर महीने की आमदनी घर का काम करती हुए 10,000 रुपया हो जाए तो साल में 1,00,000 से ज्यादा हो जाए। लाडली बहनों के बीच शिवराज क्यों इतने लोकप्रिय हैं? उसकी वजह साफ है। जी हाँ, शुरुआत में मैंने आपको शिवराज की बात सुनवाई और जो उन्होंने लाडली बहनों के लिए कहा वो लाडली बहनों के उत्साह को बढ़ाने के लिए बहुत काफी है। लाडली बहना वो स्कीम जिसकी गूंज पूरे देश तक गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, लाडली बहना उसका कारण बनी। अब लाडली बहनों को लेकर शिवराज सिंह चौहान और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और भरे मन से उन्होंने उस चीज को कहा जो शुरुआत में मैंने सुनवाया। क्या कुछ शिवराज करना चाहते हैं लाडली बहनों के लिए और जिससे उनको लाभ मिले, एक बार और सुनिए। लाडली बहना को लखपति बहना बनाना है। बनना कि नहीं? अरे बोलो, बनना कि नहीं? हम क्यों गरीब रहेंगे? हम क्यों आंसू बहाएं? हम क्यों हाथ फैलाएं? लखपति दीदी का मतलब है एक बहन की हर महीने की आमदनी घर का काम करती हुई 10,000 रुपया हो जाए तो साल में 1,00,000 से ज्यादा हो जाए, चाहे वो किसान परिवार से आती हो चाहे वो गरीब परिवार से आती हो, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए ये लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, हमारे कलेक्टर सीओ यहां पे हैं। भैया तेजी से काम शुरू करना है, यहां सारे सेल्फ हेल्प रोजगार कैसे करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग तरह की ट्रेनिंग बहनों को, फिर अलग अलग तरह के काम सिखा के वो काम वो करेंगी, बैंक से पैसा मिलेगा और उनकी बनाई चीजें या वो जो काम कर रही है वो बिके, इसके लिए भी मदद करेंगे। मेरी बहनों, आंसुओं के समुद्र में डूबने नहीं दूंगा, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए जी जान लगाना। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं अब लखपति दीदी बनाना है और कमाल की बात, उन्होंने मंच से कलेक्टर और तमाम अधिकारियों को कह दिया इस दिशा में जल्दी काम शुरू हो जाना चाहिए और ये भी कह दिया कि मंत्रालय मेरे पास है, चिंता मत करना। तो शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच फिर वैसे ही अंदाज में नजर आए। आपको बता दूं कि शिवराज अपने गृह जिले सीहोर में पहुंचे थे जहां कार्यक्रम के दौरान मंच से उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर बात करी और साथ ही साथ लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना वो है जो केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है जिसमें महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार लोन देती है ताकि वो कोई नया उद्योग शुरू कर सके और लखपति बन सके। करोड़ों लखपति दीदी बनाने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है, लेकिन शिवराज मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाने वाले शिवराज एक बार फिर उसी अंदाज में नजर आए, क्योंकि बीच में जब ऐसी बात आती क्या लाडली बहना योजना का भविष्य होगा तो शिवराज का ये उत्तर काफी है कि लाडली बहना योजना जो है उससे आगे एक कदम शिवराज सोच रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने मौजूद अधिकारियों के बीच में ही ये लाडली बहनों को कह दिया चिंता मत करो मंत्रालय मेरे पास में है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी और शिवराज की ही सोच थी कि लाडली बहना योजना को उन्होंने लॉन्च किया था और ऐसे ही लाडली बहना की तर्ज पर केंद्र में लखपति दीदी योजना शुरू की गई। यही वजह है कि शिवराज जान रहे हैं कि इस योजना का कितना महत्व है और उन्होंने मन से एक और सौगात की बात कह दी। आप देखते रहें एमपी तक।